इसलिए मुरादाबाद से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 2010 से 2014 के बीच में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड दिस वाज बाय लक कि जो ट्रेन का जो रूट दैट हैज बीन रीशेड्यूल्ड, अदरवाइज इट वाज गोइंग फ्रॉम कानपुर एंड लखनऊ, वो दोनों कैंसिल हो गया, वो मुरादाबाद से रुक गई है, मुरादाबाद टू दिल्ली। जनरली जब दिल्ली आता तो जो ये वाला जो रूट था वो कहीं पर पड़ता तो देख नहीं पा रहा था। Nostalgia. I mean, this feel is awesome. Seeing that place again, a lot of memories, you know. Again, it's a happy sunny day. Welcome to my train vlog. I mean, this is so sad to see that people are not actually taking care of. Iski value nahi pata hai. If we are independently traveling today, this is because of this guys and a lot of other people who have actually worked hard. Ab us pe if you are spitting all these stuff, I mean, this is not actually good. This is not taken, yaar. I mean, this is how you celebrate 150 years of the Mahatma. I don't think so. This is, justice. Is sach hi poison nikal dena chahiye, yaar. Those who do a lot of vloggings and everything, बहुत सारे मैंने incident देखे हैं जहाँ पर people are standing on these doors and actually doing vlogs and everything. But this is not only unsafe just because कि आप वहाँ पर doors पर हो, you can fall off that side. Problem एक चीज़ और है, you get snatched. You know, people on these tracks, boys on these tracks, actually they snatch your chains and everything, your phones. So beware or use these doors whenever you're standing. Let's not open this. It's not an informatory kind of a vlog, but yes, actually, I mean, this happens with everyone. सबको पता है, but फिर भी हम ध्यान नहीं देते। So, 10 बजे exact अपना shift complete कर लिया था मैंने और 12 बजे के आसपास I made my mind that 12 बजे मेरी ट्रेन है तो 11:30 बजे के आसपास तक पहुँच जाऊँगा, तो 10:15 बजे पे मैं घर छोड़ के निकल गया और लकली आई वॉज हियर इन स्टेशन एट 11:30 और आई गॉट माई ट्रेन। द बिगेस्ट मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कूली ने मेरे से 1500 रुपये लिए। मतलब कूली ने मेरे से 1500 रुपये लिए क्यों, क्योंकि एज यू नो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, सो आई हैव 3-4 कार्टन्स विच आर एक्चुअली बिग, जो कि मतलब इट वॉज रियली इम्पॉसिबल फॉर मी टू कैरी इट ऑन माई ओन एंड गेट इट सेटल्ड अंडर माई सीट एंड एवरीथिंग। सो एस्कॉर्ट कीपर ले लेता हूँ, उनका रेट आसमान छू रहे थे, 500 रुपये एक आदमी, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी कैरी कर पाऊँ बिकॉज थर्ड फ्लोर से वहाँ से उतारने में ही मेरी हालत खराब हो गई थी। और मेरे को लेना पड़ गया 3 कूली एंड द चार्ज में लाइक 1500 बक्स और चुना लग गया 1500 रुपये का। ओके सो ट्रेन रीशेड्यूल होने की वजह से अभी पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है। मैंने लगेज अपना कहीं और रखा हुआ है, मतलब सामने वाली सीट पे अपर जो सीट है, बट सो मैं सामने वाले पर आऊँ बिकॉज इट इज़ ऑल एम्प्टी, नोबडी विल बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ कानपुर, तो वो अलग का सीट वैकेंट है। मज़े है भाई ब्लॉक करने का, सोच ही रहा था मैं नहीं चाह रहा था मैं सबके सामने ब्लॉक करूँ। आई मीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगता है डोंट वांट उनकी प्राइवेसी कुछ खराब हो इफ आई एम कैप्चरिंग देम, सो फॉर्चुनेटली कोई ट्रेन बहुत कम हो गया एंड आई एम ओके टू दैट। पता नहीं आवाज़ आ गई होगी नहीं, बट ऑफ कोर्स the best thing you can have is sleep. Bareilly kar liya cross. अब ठीक है, अगला स्टॉप इज कहाँ है, वैसे कहा तो था कि रोकेंगे नहीं बट रोके जा रहा है। ट्रेन की जो नींद है ना वो अलग ही है, 3 घंटे साउंड स्लीप हुआ। साउंड स्लीप क्या मतलब, मेरे को होश नहीं था कि फोन आवाज़ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए वो साउंड स्लीप था। और उसको बेसिकली इन्होंने कहा था कि कहीं रुकेगा नहीं तो रुकते ही चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि 12:30 बजे के आसपास में जो टाइमिंग है वो पहुँच जाएगा, शायद लेट हो सकता है क्योंकि इतना रुक के जा रहा है, पैसेंजर ट्रेन बन चुका है इस समय फिलहाल तो। जब बचपन में था मतलब छोटा ना, तो ये वाला जो चीज़ सिर्फ सेकेंड एसी फर्स्ट एसी में ही देख पाता था, उस समय हम स्लीपर से ट्रैवल करते थे, तो ये चीज़ का बहुत फैंटेसाइज होता था कि यार क्या चीज़ है कैसा होता था। जनरली बचपन में तो हम सब 3rd ACs करते थे और हमारे को जब क्लास होना है तो दैट वॉज लाइक 3rd AC, सो मैं 3rd AC में ट्रैवल कर रहा, AC में ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आता है 2nd AC में जब मैं गया था फर्स्ट टाइम, मेरे डैड ले गए थे मुझे 2nd AC में, तो वहाँ पर जो लाइट था साइड में और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा था कि मतलब पर्सनल लाइट होता है सबके लिए,
वो एक्सपीरियंस अलग ही रहता है. और वी 90s किड आर एक्चुअली लकी. सारे जो रेवोल्यूशन है वो सारे हमने सामने ही देखा हुआ है. मतलब फोन हमारे सामने आया और बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर्स हमारे सामने आए. सो वी 90s किड आर एक्चुअली लकी फॉर दैट. टाइम कट ही दे रहा है. क्या बज गया टाइम? 9:47 साढ़े बारह पौने पहुँचने का टाइम है. बट आई डोंट नो वेयर आई एम. इज एवरीवन स्लीपिंग हियर? I guess I am the only one जिसको टाइम निकटना है और घर जाने की बहुत जल्दी है. सिर्फ मम्मी का फ़ोन आया तो भी मम्मी भी नॉनवेज वॉनवेज बना के रखी है. कल घर पहुँचने के बाद वेज का तो मतलब ही नहीं है. तो लेट्स सी कि कब तक पहुँचते हैं. शायद स्टेशन पर पापा लेने आएंगे. दैट इज़ द रीज़न आई लाइक अपोबर, क्योंकि यहाँ पर मतलब अपना सीन है. मिडिल वाले का क्या है कि जब तक 8 बज नहीं सकते तब उठा नहीं सकते. लोअर वाला तो अपना अपना ला के रखते हैं. अपर इज ऑलवेज चेक. फाइनली गोरखपुर. लेट मी रिमाइंड यू, इट इज एशियाज बिगेस्ट रेलवे स्टेशन. फिर फोन गिरा दिए. कोली चोलू चोलू ओली मिले चोलू मिले चोलू मिले चोलू. क्या हुआ है? क्या हुआ है? इधर आम के लिए क्या? हाँ ऊपर जाएंगे. तुम्हें नाम बोलोगे? हाँ हाँ नहीं ऊपर जाएंगे. सिट 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 sit 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 ye lo bhai ye aapka ye raha acha lag raha hai. aiye aiye bistar pe aiye aap. ye kudi mara aiye baitha. ye mila chholu lullu. kya hua? bahut din baad maza aa raha hai. nahi nahi kal ke baithenge na. नाखून मार दी. क्या लूटने के लिए क्या है अपने पास? लूटने का कुछ है क्या? जाओ 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 लेके जाओ बेटा खाओ. चलो थोड़ी देर रेस्ट किया. टाइम क्या हो गया? ओह बहुत अच्छे हो गए. इट्स लाइक 5:45. I'm not just going to make it अपने बेड पे. सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू मेक इट अ बिग ब्लॉक. ये यहाँ पर एंड करूँगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम रेस्ट. और ऑल पैम्परिंग एवरीथिंग सी वॉज. बस बस. सोने से पहले एक चीज़ दिखाना जरूरी थी. मुझे भूख लग गई. सो मैंने बोला था कि मम्मी ने तो बना के रखी होगी. तो मम्मी पता है मुझे फिश बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली ये टिंगना मछली जो होती है. तो मैं मम्मी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, फिश गर्म कर रहा हूँ. उसके बाद
कर लिए हैं। इसको मैं नानी वाला ग्लास बोलता हूँ क्योंकि मेरी नानी इसी स्टाइल के ग्लास में पीती थी, मुझे बहुत पसंद है। पापा पापा उठिए, चाय। क्या घूमने चलना है? घूमने चलना है? घूमने चल रहा है, घूमने जाना है, आओ घूमने चलो। हैं? हाँ वही चल। सब देख पाके। अरे स्कूल बस कितने टाइम बाद। अरे इधर तो आओ। अरे भागो मत। बस यही मिस कर रही थी इतने टाइम से। पार्क काफी साफ लग रहा है। क्या मौसम रखा है। सोचा था कि सोएंगे पर एज यूजुअल घर आए भूख लग गई, खाना खाया, फिर उसका दोस्त मैडम ने उठा दिया और उनको टहलाने के चक्कर में अब डर ही लगता कि कहीं भाग ना जाए। लग रहा पार्क की रिपेयरिंग स्टार्ट हो रही है कि मेरे को सारे सीमेंट निकलता हुआ दिख रहा है। अच्छा ये बना हुआ है? नहीं ये तो पिछले बार ही बना था। गुड गर्ल, पता है कि कब जाना है कब नहीं जाना है। चलो चलो। इफ योर डॉग इज एक्चुअली ट्रेंड, अगर वो आपके सुन रहे हैं तो कभी भी लीश को टाइट नहीं खींचेंगे। और इस समय इतना सुंदर लग रहा है, क्या हो गया बेटा? इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। It's my home, home sweet home. उठ आपा, क्या हो गया? अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर चल गया, फंस गया, रुक जाओ। चलो अंदर आप, इसके पिसके पिसके चलो। पिछली बार बाइक धोके गया था, ज़्यादा टाइम रह नहीं पाया गोरखपुर। अब फिर लग रहा मुझे इस बार धोनी पड़ेगी, आज ही धोऊंगा क्योंकि आज बाइक वापस धोनी है। की हालत तो देख ही रहे हो कैसी हो गई है, तो इसको भी धुलना ज़रूरी है। तो नंबर प्लेट भी लगेगा क्योंकि बस नंबर प्लेट आ गई, आरसी आ गई, सब कुछ आ गया गोरखपुर का ही। ये पानी भर जाए फिर वस्ती मैडम का पैर धुलवा दिया जाए क्योंकि ये बाहर से आई है। आओ इधर 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 इधर। रुको बेटा, ये पहला यार मुझे एक्चुअली नींद आ रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आंखों में भी दिख रहा होगा। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ, बोला भी नहीं जा रहा है। जैसे कि 2-3 घंटे का सो लेता हूँ, फिर उसके बाद जो करना करेंगे।